नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में तीसरे दिन भी सारी दुकानें बंद रहीं। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर की रात पुलिस ने बसपा के पूर्व मंत्री रामरतन यादव के घर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे नाराज लोगों ने तीन दिनों से इलाके की सारी दुकानें बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। मामला जयसिंहपुर इलाके का है, जहां बसपा के पूर्व मंत्री रामरतन यादव के घर में सैकड़ों पुलिसकर्मी अचानक घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक सारी दुकानें बंद रहेंगी। 70-80 के बीच में फोर्स आई थी, जिसमें एक दर्जन महिला थी। ये सबसे पहले काम किया, औरत चली गई औरत के पास, और सीओ रैंक और एसओ रैंक के हमारे पास चले गए और कवाड़ा तोड़े, क्योंकि वो तोड़ करके हमारे छत पर गए जहाँ हम सो रहे थे। पहले तो हमारे उन्होंने मोबाइल ले लिया, दोनों मोबाइल लेने के बाद अब इन लोगों ने पूरी औरतों का 8 मोबाइल इन लोगों ने ले लिया, उसके बाद तांडव शुरू किए। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।